गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट डोज में आपका स्वागत है। ये अगस्त महीने का हमारा चौथा डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक क्रू ड्रैगन के बारे में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में न्यूज में रहे क्रू ड्रैगन किससे जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, क्रू ड्रैगन एक अंतरिक्ष शटल है। अंतरिक्ष शटल कहने का मतलब एक ऐसा तंत्र जिस पर बैठकर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं। क्रू ड्रैगन जो है वो एक निजी कंपनी स्पेस एक्स का अंतरिक्ष शटल है। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि मई 2020 में जिन दो लोगों को इस शटल के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था, वे लोग 2 अगस्त को लौटकर वापस आ गए हैं, इसलिए ये न्यूज में था। अब इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपसे पूछा जा सकता है, उसे एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मई 2020 से पहले अमेरिका के 2 नागरिक 9 साल पहले अंतरिक्ष में गए थे। अभी 9 साल के बाद कोई व्यक्ति अमेरिका का अंतरिक्ष में गया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। जो स्पेस एक्स कंपनी है जिसके द्वारा इस अंतरिक्ष शटल को निर्मित किया गया है, वो एलन मस्क नामक एक व्यक्ति का है। ये एक निजी कंपनी संचालित करते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। नासा जो कि अमेरिका का एक अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके द्वारा एक कार्यक्रम संचालित किया गया था, कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम, यानी कि व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम। इसमें क्या किया गया था कि निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष के क्षेत्र में पैसा निवेश करने के लिए और अपने आप को अंतरिक्ष के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने के क्षेत्र में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसे 2010 में शुरू किया गया था ताकि सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ नए अन्वेषण किया जा सके, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। एक अन्य बात जिसे आपको पूछा जा सकता है कि कौन से वो दो व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के अंतर्गत, तो आप याद रखेंगे डग हर्ले और बॉब बेहनकेन, वो दो व्यक्ति थे जो इस अंतरिक्ष यान से गए थे। अभी जो वापस लौट कर आए हैं, उसके संबंध में भी पूछा जा सकता है कि ये किस खाड़ी में आकर लैंड किए हुए हैं या फिर कहां पर उतरे हैं। तो ये मैक्सिको की खाड़ी में इनको उतारा गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जो अभी क्रू ड्रैगन भेजा गया था, ये इसका दूसरा संस्करण था, क्योंकि इससे पहले ड्रैगन वन नामक भी एक इसी प्रकार का शटल था जिससे भी लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाता था। ड्रैगन वन से 2012 में लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। अब तक कुल 20 बार ऐसे हुए हैं जब तक अंतरिक्ष स्टेशन में, जो कि धरातल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, वहां पर लोगों को भेजा जा चुका है। अब हम देखते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि पृथ्वी की निम्न कक्षा में एक ऐसा स्थल होता है जहां पर बहुत कम सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण बल होती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे ऐसे शोध होते हैं जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शोध करने के लिए बहुत कम गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है। किस क्षेत्र में शोध करने के लिए? जीव विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में शोध करने के लिए बहुत कम गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि पृथ्वी के धरातल पर ऐसे शोध किए जाते हैं, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण को समाप्त करना या फिर कम करना थोड़ी मुश्किल वाली बात होती है। इसीलिए अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो धरातल से एक ऐसी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। यदि हम बात करें इससे जुड़े हुए दूसरे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का, तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने की शुरुआत 1960 के दशक में होती है, जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में शीत युद्ध चल रहा होता है। सबसे पहले यूएसएसआर के द्वारा 1971 में एक सैल्यूट नामक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाती है। ठीक इसके 2 साल बाद अमेरिका के द्वारा स्काई लैब नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाता है।
अब तक कुल 11 ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन केवल 2 ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन हैं जो अभी कार्यरत हैं। एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS और दूसरा चीन का तियोंगयांग 2। ये 2 अंतरिक्ष स्टेशन हैं जो अंतरिक्ष में कार्यरत हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो नासा की अगुवाई में कुछ ऐसे देश हैं जो जिनकी संख्या 16 है, वो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ISS को स्थापित करने की प्रक्रिया 1998 में शुरू की गई थी, 2011 में इसे पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया जाता है। साल 2000 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में भेजा गया था। ये कहां पर स्थित है ये आपको पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कि ये पृथ्वी की धरातल से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक तेंदुआ से संबंधित है। तेंदुआ इसलिए न्यूज में है क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय ने अभी ये कहा है कि इससे संबंधित आंकड़े इस महीने के लास्ट तक जारी कर दिए जाएंगे, उन्हें तैयार किया जा रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसे हम एक एक करके देखते हैं। तेंदुआ एक ऐसा जीव है जो बाघों के जैसे, जो कैट प्रजाति है उसके कैटेगरी में ही एक है। इसके कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनको अलग अलग क्षेत्रों में संरक्षित किया गया है, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में, साइट्स के परिशिष्ट 1 में और IUCN के रेड लिस्ट के अंतर्गत इसे वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी जनगणना अलग से नहीं की जाती है, इस बात को आप याद रखेंगे। तेंदुआ की जनगणना अलग से नहीं की जाती है। जब भारत में हर 4 साल में एक बार बाघों पर जनगणना किया जाता है, उसी के साथ इनको इनकी भी जनगणना की जाती है, क्योंकि जो बाघ होते हैं वो वन के बीच में रहते हैं, लेकिन जो तेंदुआ होते हैं वो वन के किनारे किनारे रहते हैं। और इसीलिए आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि जो तेंदुए होते हैं उनका संघर्ष होता है मानवों के साथ, क्योंकि जब वो वन के किनारे रहेंगे तो संभावना बनती है कि वो गांव के तरफ भी जाएं, जो गांव के जानवर हैं उनको शिकार करें, इसलिए संघर्ष बार बार आता रहता है। वर्तमान में जो आंकड़ा है वो 2014 के जनगणना के आधार पर है। 2018 में यानी कि 2014 के बाद जब 2018 में बाघों की जनगणना की गई थी, उस समय इसकी भी जनगणना की गई थी, लेकिन इसके आंकड़े को प्रकाशित नहीं किया गया था। इसी आंकड़े को जो 2018 में जनगणना की गई थी उसे प्रकाशित करने की बात कही गई है, इसलिए ये न्यूज में है। 2014 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 12,000 से लेकर 14,000 के बीच आंकी गई थी। ऐसा बताया गया है कि इनकी संख्या जो गांव के आसपास है वो लगभग 8,000 के आसपास है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित है। सबसे पहले न्यूज में क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी 3 तारीख को रक्षाबंधन मनाया गया था, तो अरावली क्षेत्र में हरियाणा या फिर राजस्थान के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वो लोग अरावली के क्षेत्र में जितने भी वन क्षेत्र हैं उनको संरक्षित करने के लिए वनों को या फिर पेड़ पौधों को राखी बांध रहे थे, इसीलिए ये न्यूज में था। आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसे, तो आप उन जानकारियों को एक एक करके देखें। तो फ्रेंड्स, अरावली का वर्तमान विस्तार जो है वो दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, आप याद रखेंगे। यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है और भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कुछ भूगोलवेत्ता ऐसे भी हैं जिनके द्वारा कहा जाता है कि इसकी 2 शाखाएं हैं, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी की 2 शाखाएं हैं। एक तो खंभात की खाड़ी से लेकर लक्षद्वीप तक फैला हुआ है और दूसरा इसका जो शाखा है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी आप यहां देख सकते हैं, हमारे दिल्ली राजधानी और ये गुजरात, ये इस क्षेत्र में है, इसे आप देख सकते हैं। इसकी एक शाखा को यहां तक विस्तारित किया जाता है जबकि दूसरे शाखा को इस क्षेत्र में भी बताया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे।
ये जो क्षेत्र है दो अलग अलग क्षेत्रों को अलग करता है, एक तरफ रेगिस्तान है राजस्थान का क्षेत्र, दूसरे तरफ बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहां पर, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से तीन नदियां हैं जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, एक तो है बानस या फिर बनास, दूसरा है साहिबी। ये दोनों जो हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये साहिबी है और इसके ठीक नीचे का जो हिस्सा है वो बानस नदी है, दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तीसरा महत्वपूर्ण नदी जो है वो लूनी है जो निकलती है और आगे चलकर रण ऑफ कच्छ में जाकर गुम हो जाती है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एक कार्यक्रम हाल फिलहाल में घोषित किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ग्रेट ग्रीन वॉल, इसको अरावली के क्षेत्र में दिल्ली से लेकर गुजरात के बीच में स्थापित किया जाना है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये 5 किलोमीटर चौड़ा एक हरित पारिस्थितिकी गलियारा है। कहने का मतलब है कि 1600 किलोमीटर की दूरी में वनों को लगाया जाएगा, पेड़ पौधों को लगाया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर अगर आप भारत के मानचित्र को देखें तो ये जो क्षेत्र है वो लगभग अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ये पूरा पूरा शुष्क क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा हरित वाला है। तो यहां पर यदि वन होंगे तो आसपास के जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी वातावरण हैं, वहां पर ऑक्सीजन शुद्ध मात्रा में होगी। तो ये इस क्षेत्र में हृदय के रूप में काम करते हैं, इस क्षेत्र के वातावरण को शुद्ध करने के लिए कार्य करते हैं, तो इसीलिए इस क्षेत्र में वनों को लगाने के लिए कार्यक्रम संचालित किया जाना है भारत सरकार के द्वारा, ग्रेट ग्रीन वॉल अरावली क्षेत्र में, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कहां से कहां तक किया जाना है ये भी, इसको लिया गया है कहां से, मोटिवेट होके लिया गया है, तो फ्रेंड्स अफ्रीका का जो सहारा क्षेत्र है वहां पर ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा स्थापित करने की बात कही गई है, ताकि सहारा के क्षेत्र में जितने भी डिजर्ट क्षेत्र हैं उनको थोड़ा हरित बनाया जा सके। तो उसी से मोटिवेट होके भारत में भी इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है। तो अरावली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थे, इन सारी जानकारियों को आप याद रखें। पीडीएफ हम फ्री में उपलब्ध कराते हैं, वीडियो के डिस्कशन के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां आप देखकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। हमारी डिस्कशन का चौथा टॉपिक जो है वो गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में है। सबसे पहले आप याद रखेंगे गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये प्रशांत महासागर में है, ये यहां पर है, इसे आप देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका। इस पर किसका शासन है, तो इस पर इक्वाडोर का शासन है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी चीनी जहाजों को यहां पर मछली मारते हुए देखा गया है, इसलिए ये न्यूज में थे। इतना जरूरी नहीं है कि न्यूज में क्यों था, लेकिन इस द्वीप के बारे में आप याद रखेंगे, गैलापागोस द्वीप समूह जो है वो कहां है, इक्वाडोर में है, प्रशांत महासागर में है, इक्वाडोर के बिल्कुल पश्चिमी हिस्से में है, इसे आप देख सकते हैं। 1935 में इसे यानी कि गैलापागोस द्वीप समूह को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इसका नाम जो है वो एक कछुए के प्रजाति के नाम पर रखा गया है, जो प्रजाति सबसे बड़ी कछुए की प्रजाति में से एक माना जाता है। 1978 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। चार्ल्स डार्विन इनके द्वारा इस द्वीप को अपने आप में एक दुनिया, अपने आप में एक अलग दुनिया के रूप में घोषित किया गया था। इसे आप बड़े मैप के माध्यम से जूम करके देख सकते हैं, इधर कोलंबिया है, इधर पेरू है, ये साउथ अमेरिका का क्षेत्र है इक्वाडोर, और ये गैलापागोस द्वीप समूह, तो आप इसे देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का पांचवा टॉपिक क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये क्या है। फ्रेंड्स हमारे भारत में लगभग 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस नेटवर्क को अभी तक स्थापित किया गया है। क्या है ये नेटवर्क फ्रेंड्स, भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में टीका, जो बहुत सारे अलग अलग बीमारियों के टीके होते हैं, उन टीकों की क्या उपलब्धता है, कौन से क्षेत्र में कौन सी बीमारी है और कहां पर कौन से टीके की उपलब्धता होने की आवश्यकता है, उस बात का डाटा इकट्ठा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा
इस नेटवर्क को तैयार किया गया है ताकि एक डाटा हो सके कि राजस्थान के क्षेत्र में कौन सी बीमारी है, कितने टीके वहां पर उपलब्ध हैं, झारखंड के क्षेत्र में कितने टीके अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं, टीकों को रखने के लिए जो भंडार गृह होते हैं वो हैं या फिर नहीं है, हैं तो वहां पर टीके कितने हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में इसको नेटवर्क स्थापित किया गया है और इसे ही इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आप जान रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इस नेटवर्क को स्थापित किया गया है। आप मंत्रालय का नाम याद रखेंगे, ये क्या है इसे आप याद रखेंगे। वर्तमान में 22 ऐसे राज्य और 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके 585 जिलों में अब तक 23,507 कोल्ड चैन पॉइंट नियमित रूप से संचालित करने वाले नेटवर्क में सूचीबद्ध किए गए हैं, निर्मित किए गए हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं और उसी से संबंधित करेंट अफेयर भी देख लेंगे। हमारे डिस्कशन का जो पहला एमसीक्यू है वो क्या कहता है, भारत ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड लॉन्च किया था। ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से संबंधित ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है, यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक संयुक्त कोष है। जी नहीं, यह भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच में स्थापित किया गया एक कोष है जिसमें क्या किया जाएगा कि यूके यानी कि जो ब्रिटेन के समूह है, ब्रिटेन, आयरलैंड इत्यादि, वहां के जो निवेशक हैं उन निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि ये भारत के ग्रीन फील्ड में यानी कि जो नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं उन क्षेत्रों में निवेश करें। इसके लिए दोनों देश मिलकर 240 मिलियन यूरो खर्च करने का तय किए हैं। इसमें भारत के द्वारा 120 मिलियन यूरो खर्च किया जाएगा और यूरोपीय मतलब यूके के द्वारा भी इतना ही पैसा खर्च किया जाएगा। तो पहला कथन क्या था, गलत, क्योंकि यहां पर यूरोपीय संघ लिखा गया है। दूसरा कथन क्या कहता है, इसका उद्देश्य भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के वित्तपोषण का लाभ उठाना है। मैंने यही कहा कि जो निजी क्षेत्र हैं, जो यूके के हैं या फिर भारत के हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि इस फंड के माध्यम से आप भारत में जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर निवेश करें। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कहता है कि संयुक्त निधि की स्थापना NIIF यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के तहत की गई है। ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। आपको याद क्या रखना है, इस फंड को याद रखना है कितना कितना कर रहे हैं भारत और यूके मतलब यहां पे यू के बारे में नहीं बोल रहा है, यूके के बारे में बोल रहा है कि कितने कितने निवेश करेंगे, क्या करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे, ग्रीन फील्ड में करेंगे, ब्राउन फील्ड में करेंगे। भारत के अंतर्गत जो NIIF स्थापित किया गया है उसके अंतर्गत करेंगे। तो इन तीनों जानकारियों को आपको याद रखना है। ये सारी बातों को मैंने आपको बता दिया है, आपने समझ लिया है, PDF डाउनलोड करें, रिवाइज करें। दूसरा MCQ क्या कहता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में। पहला कथन कहता है इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन से जोड़ा गया था। जी हां बिल्कुल सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये एक ऐसा निकाय होता है जहां पर बहुत सारे ऐसे कानूनी मामलों की सुनवाई की जाती है, बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं जो प्रशासनिक मामलों से हो सकते हैं, निजी मामलों से हो सकते हैं, केंद्र राज्यों के बीच में विवाद से संबंधित हो सकते हैं, तो उनको निपटान करने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। भाग 14 में जोड़ा गया है इसे, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जो भारत का मूल संविधान था
वहां पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि आपको स्टेटमेंट में यह दिया जाए कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान मूल संविधान में था तो आप कहेंगे कि जी नहीं। कहा जाएगा कि यह संवैधानिक है तो आप कहेंगे जी हां है, क्योंकि इसे अब संविधान में शामिल कर लिया गया है। दूसरा कथन क्या कहता है, इस न्यायाधिकरण का गठन केवल केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए किया जा सकता है। जी नहीं, जिस भी प्रश्न में केवल शब्द होता है वहां पर थोड़ा रुकिए, सतर्क होकर इसे ध्यान से पढ़िए। जो न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है वो केंद्र सरकार के लिए भी किया जा सकता है, राज्य सरकार के लिए भी किया जा सकता है। केंद्र और राज्य यदि विवादित मामलों में उलझे हुए हैं उनको सुलझाने के लिए भी किया जा सकता है। अलग अलग राज्य यदि उलझे हुए हैं तब भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे नदी विवादों से संबंधित न्यायाधिकरण का गठन किया जा सकता है, निजी क्षेत्र के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि केवल केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक सेवा के लिए किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि यहां पर केंद्र राज्य निजी क्षेत्र सभी के लिए किया जा सकता है, सार्वजनिक सेवा के लिए भी निजी क्षेत्र के लिए भी, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन क्या कहता है, ये न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। देखिए भारत में जो कानूनी मामले होते हैं, जो विवाद होते हैं, जो सिविल मामले होते हैं, फौजदारी मामले होते हैं, उनको एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जाता है। सबसे पहले केस दर्ज किया जाएगा, जिला अदालत में की जाएगी, उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ऐसा होता है, एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी मामले में गवाह बनना चाहता है तो पहले उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, तब जाकर वो गवाह बनता है, तब जाकर वो गवाह देता है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है भारत में। लेकिन प्रशासनिक न्यायाधिकरण का जो निर्माण किया गया है उसमें प्राकृतिक न्याय का पालन किया गया है, यानी कि कोई मामला चल रहा है, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इस मामले में कुछ सबूत है मेरे पास, मैं दे सकता हूं, तो बिना रजिस्टर करवाए ही वो सीधे सीधे जाकर उस मामले में अपने सबूतों को दे सकता है। जो एक विशेष प्रक्रिया बनाई गई है भारत में, उस प्रक्रिया को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण होते हैं उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाता है। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर की बात आती है, दूसरा कथन गलत है, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। एक अन्य बात, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे प्रावधान तो किया गया था भाग 14 ए के अंतर्गत। इसमें दो अनुच्छेद हैं, 101 तो है 223 और 223 बी, इसे आप ध्यान रखें। अगला, जो न्यायाधिकरण होते हैं उसका गठन कौन करता है, केवल और केवल केंद्र सरकार, यानी कि संसद, केंद्र सरकार भी नहीं संसद करती है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है, आप कहेंगे कि जी नहीं राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। कहा जा सकता है केंद्र सरकार या फिर संसद, यदि संसद ऑप्शन में रहेगा तो आप संसद करेंगे, यदि केंद्र सरकार केवल ऑप्शन में है, संसद नहीं है, तो आप केंद्र सरकार करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। हमारी डिस्कशन का तीसरा जो तीसरा एमसीक्यू डिस्कशन है वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से सामान पर जीएसटी मुआवजा उपकर लगाया जा सकता है। देखिए भारत में जीएसटी लागू हो चुका है, यानी कि हर सामान पर केवल एक बार कर लगाया जा सकता है, इस बात को आप जान रहे हैं। अब कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिन पर उपकर लगाया जा सकता है, मतलब जीएसटी तो लगाया जा ही रहा है लेकिन उसके ऊपर जीएसटी एक प्रकार का कर ही है, अप्रत्यक्ष कर है, तो उस कर के ऊपर फिर से अगर कर लगाया जाएगा तो उसे उपकर कहा जाएगा, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि जीएसटी के अंतर्गत जो उपकर लगाए जाते हैं वो किन किन उत्पादों पर लगाए जाते हैं। आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीन उत्पादों के नाम दिए गए हैं, कोयला, वातित पेय यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम, तंबाकू युक्त सिगरेट। अब आप बताइए किस पर लगाया जाता है, याद रखेंगे तीनों के तीनों पर लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। उपकर क्या होता है इसे आपने समझ लिया है कि भारत में जीएसटी लागू होने के बाद कुल तीन प्रकार के कर हैं जिनमें से एक को लगाया जाता है, एक तो सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा जो है वो यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी क्या होता है आप इन सारी बातों को जान रहे हैं, किन उत्पादों पर लगाया जाता है इसे आप ध्यान रखेंगे। क्या कुछ ऐसे लग्जीरियस वस्तु होते हैं या फिर डिमेरिट वस्तु होते हैं जिनकी वजह से मनुष्यों को नुकसान हो सकता है, लग्जीरियस मतलब बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, वो सिर्फ दिखावटी होते हैं, तो उन उत्पादों पर लगाया जाता है, जैसे कि
उन उत्पादों में से सबसे पहले आप याद रखेंगे कोयला, लगभग 400 लगाया जाता है, 400 रुपया लगाया जाता है प्रति टन। जो पान मसाला होता है 60% तक लगाया जाता है, उसकी मतलब जो मूल कीमत है उसकी तुलना में 60% ज्यादा उसकी मूल्य बढ़ सकती है। जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं उन पर 15% तक लगाया जा सकता है। जो मोटर व्हीकल होते हैं उसके इंजन सीसी के हिसाब से लगाया जाता है, उसके लेंथ के हिसाब से लगाया जाता है। जो डीजल होते हैं उन पर 3% लगाया जा सकता है। जो सिगरेट और तंबाकू उत्पाद होते हैं उन पर 36% प्लस प्रति 4170 रुपया में 1000 और लगाया जा सकता है। तो आप इन उत्पादों के नाम याद रखेंगे जिस पर सेस लगाया जा सकता है। हमारी डिस्कशन का चौथा एमसीक्यू क्या कहता है, वैश्विक वन संसाधन आकलन यानी कि FRA रिपोर्ट दुनिया के वन संसाधनों की स्थिति और रुझानों को प्रदर्शित करता है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस संस्थान का आपको चयन करना है। हमने अपने पिछले डिस्कशन में इसके बारे में देखा था, विस्तार में देखा था कि कौन से विश्व के वो देश हैं जहां पर अभी वन है, इसके लिए कौन सा ऐसा देश है जो अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, भारत में कितनी वृद्धि हुई है, इन सारी बातों को बताया गया था हमारे पिछले डिस्कशन में। आप याद रखेंगे इस रिपोर्ट को FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का आंसर, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसका एक इकाई है, मतलब FAO का एक इकाई है वानिकी विभाग, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। FAO के बारे में आप जानते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत संस्थान है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, काफी लंबा हो चुका है, काफी स्पीड मैंने बोलने की कोशिश की थी ताकि जल्दी हो सके। आप इसे ध्यान रखेंगे, आप इन सारी जानकारियों को याद रखें, 2-3 बार रिवाइज करें, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत मेहनत करना है। थैंक यू वेरी मच।